हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा रियल मी 11X 5G फ़ोन है, तो रियल मी 11X 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट है, तो स्क्रीन रिफ्रेश रेट को आप कैसे चेंज कर सकते हैं रियल मी 11X 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं हमारे फ़ोन में इस तरीके से शो हो रहे हैं। तो आपको स्वाइप करना है और स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन आएंगे। सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन आएगी। तो जो हमारे फ़ोन में स्क्रीन रिफ्रेश रेट है, तो स्क्रीन रिफ्रेश रेट को आप चेंज कैसे करेंगे। सिंपली फ़ोन की सेटिंग शो हो रही है, तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग्स पे जाना है और डिस्प्ले सेटिंग्स हमारे फ़ोन में बनी जाएगी, जहाँ से आप रिफ्रेश रिस्टोरेशंस को ऑन कर सकते हैं। यानी इसके ज़रिए अपने रिफ्रेश रेट को आप चेंज कर सकते हैं। जो भी आपका फ़ोन का स्क्रीन रिफ्रेश है रेट है चेंज हो जाएगा ऑटो रिस्टोरेशंस के ज़रिए। और जैसे आप इसको ऑफ कर देते हो, इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी ऑटो रिसोल्यूशन का यूज़ करके रिफ्रेश रेट को आप चेंज कर सकते हैं रियल मी 11X फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। और जैसे अगर आपको ऑप्शंस नहीं मिलता है, तो आप सर्चिंग सेटिंग पे जाकर भी सेटिंग्स पे जा सकते हैं। आपको सर्च करना होगा ऑटो रिसोल्यूशन, यानी रिसोल्यूशन रिफ्रेश रेट, जिसको आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। इस तरीके से ऑन करेंगे, देखते हैं कि हमारा जो रिफ्रेश रेट ऑन हो जाएगा, जिससे जो हमारी गेम्स वगैरह होती है स्मूथली चलती है, जो हमारी स्क्रीन डिस्प्ले है वो भी स्मूथली चलेगी, और जो हमारा बैटरी बैकअप है बढ़िया रहेगा, और जो हमारा फ़ोन है ओवर हीट भी नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप स्क्रीन रिफ्रेश रेट को चेंज कर सकते हैं रियल मी 11X फ़ोन में। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें।